टीमें आमने सामने, दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। शाम के समय अगर रोश रहेगी तो बैटिंग करने में आसान रहता है। सिक्का उछला गेम नंबर 27 के लिए, वो दिल्ली कैपिटल्स के पक्ष में गिरा, उन्होंने गेंदबाजी करने का वो फैसला लिया। फाफ डुप्लेसिस के आंकड़े, 106 मैच खेले हैं, 3000 से अधिक रन है। अनुज रावत बाएं हाथ के बल्लेबाज अपना टैलेंट दिखा चुके हैं पिछले गेम में। मुस्तफिजुर रहमान अनुभवी गेंदबाज है, 41 विकेट जिनके नाम। ये खराब गेंद का फायदा उठा, लेकिन बीच मैदान में आ गए हैं दिल्ली के लाडले, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के विराट कोहली। चलिए निकल गया 4 रन। आफ डुप्लेसी, पीछे फील्डर विकेट, दूसरी सफलता कप्तान की विकेट। थोड़े अलग अंदाज में खेलने की कोशिश, थोड़ी बंदिशों को तोड़ने की कोशिश फाफ डुप्लेसी की, लेकिन सफलता मिली है खलील को। फाफ डुप्लेसी आउट हुए 8 बना के 13-2 के नुकसान पे, नंबर 4 पे। पिछला सीजन कमाल का ग्लेन मैक्सवेल का टाइमिंग प्लेसमेंट, मैक्सवेल चौके के साथ करिए शुरुआत। कट किया, लेट किया, चौका मैक्सवेल के लिए, शॉट थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में से। अरे कहां भाग खड़े हुए, लकी स्टंप पे बॉल, क्या आउट है देखने वाली बात। एक बार आउट हो चुके हैं वैसे रन आउट इस आईपीएल में, लेकिन आज मुझे लगता है पहुंच गए हैं। 4-4 Thank you. Rick McMorrison for the big screen. एक बार फिर रन आउट। 14 बॉल खेल के 12 बनाए। गेंद हवा में बिल्कुल लेग साइड पे, जो छोटा मैदान है वहां पे जड़ दिया एक बहुत बड़ा छक्का। एक बार फिर गेंद हवा में है और एक और 6 है। यहां पर हाथ घुमाते हैं तो चौका पाते हैं इस बार प्रभु देसाई। क्या बात है, ये 4 के साथ खोला है खाता। 4 रन और अर्धशतक, पहला अर्धशतक इस सीजन अपनी टीम के लिए। बिल्कुल सही समय पे आया, मुश्किल समय पे जहां विकेट्स गिर रहे थे, एक जिम्मेदारी वाली पारी। कुलदीप के पहले ओवर में इन्होंने ठीक ठाक पिटाई की थी, ये भी उठा के मारा है, देखना है। नहीं, बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं, 131 का स्ट्राइक रेट करियर का। अरे वाह, ये कुछ भी करते हैं, ये अद्भुत शॉट है, ये अविश्वसनीय शॉट है। ये लीजिए, एक बार फिर हवाई सैर पे भेजा है गेंद को। ये बेहतर बूंदे की तरफ गए और वहीं पे शायद मिलेंगे तो 2 रन, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना होगा। 97 रन की ये साझेदारी आई 55 गेंदों में, टॉस जीता था ऋषभ पंत ने, गेंदबाज